नमस्कार दोस्तों, क्लास 7th के इस IIT फाउंडेशन के सीरीज़ में मैं महेश वलांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यह जो सीरीज़ है वो यूज़फुल फॉर ऑल, सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो स्कूल लेवल में हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल में हो या फिर उसके बाद, इन सभी में यह सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर वहाँ पे मैथ्स का कंसर्न आता है तो। अब हम 6th चैप्टर इस वीडियो में कवर करेंगे, उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी कहते हैं, दूसरा एक नाम इसका है इंडेक्स। इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, तीनों भी नाम सेम, मतलब सेम चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स या और एक्सपोनेंट, अब जैसे कि हमें 5 को ऐड करना है, सपोज 5 + 5 + 5 थ्री टाइम्स हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 थ्री टाइम्स ऐड करना है, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 15 आ जाता है। तो जैसे सेम हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, वैसे ही सपोज 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 5 × 5, तो अब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखिए 5 × 5 = 25। जैसे हम यहाँ पे 5 + 5 = 10 करते हैं, फिर जो 10 आएगा उसे हम +5 करते हैं, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। अब जो 125 नंबर हमें मिला है वो मिला है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर ये 5 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने आता है, तो वो फॉर्म है 5 raised to power 3। तो जब भी पावर 3 होता है उसे हम कहते हैं क्यूब, और पावर अगर 2 है, 5 square, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो 5 × 5 यहाँ पे होगा 25, 5 cube, 5 × 5 × 5 = 125। तो 5 cube की जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई 125। अब जो 5 raised to power 3 है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म या पावर फॉर्म। तो 5 cube एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। अब इसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म हुआ 5 × 5 × 5, और इस नंबर की जो वैल्यू हो गई वो वैल्यू हो गई 125। ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म और वैल्यू। अब यहाँ पे जो 5 का क्यूब है, जो क्यूब है उसे हम कहते हैं इंडेक्स या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंट, और जो 5 होता है उसे हम कहते हैं बेस। तो अब अगर 7 raised to power 8 है तो यहाँ पे बेस होगा 7 और पावर या इंडेक्स होगा 8 या एक्सपोनेंट होगा 8। वैसे ही अगर सेम हम देखें तो -3/5 × -3/5 × -3/5 × -3/5, अब -3/5 को हम अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हमें लिखना होगा -3/5 raised to power 4। तो -3/5 जो होगा ये होगा बेस, और 4 जो होगा वो होगा एक्सपोनेंट या इंडेक्स। अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें इस नंबर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। अब देखिए -(-), +(+),
माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625। तो अब इस नंबर की माइनस 3 बाय 5 रेस टू पावर 4 की वैल्यू प्लस 81 अपॉन 625 आएगी। अब अगर हमें नंबर दिया गया हो 10, सिंपल नंबर दिया गया है 10, तो 10 का एक्सपोनेंट क्या होता है? तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट नहीं होता, मतलब 1 होता है। तो 10 रेस टू पावर 1 को हमें सिंपली लिखना है 10। और किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, इसका हम प्रूफ जो है वो लेने वाले हैं। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे समझना है कि ए रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, और किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट नहीं होता तो ए रेस टू पावर 1 1 होता है, तो हमें 1 एक्सपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन लेने हैं। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, 9 क्यूब, 9 क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 इंटू 9 81 इंटू 9, तो 9 वन ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 729 इज़ द क्यूब ऑफ 9, 9 क्यूब की वैल्यू 729 होगी। अब 4 का क्यूब फाइंड करना है, तो 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब माइनस 5 रेस टू पावर 4, माइनस 5 को 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो प्लस 625 ये वैल्यू माइनस 5 रेस टू पावर 4 की आएगी। अब 2 रेस टू पावर 7, 2 को हमें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 टाइम्स और 1 7 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, तो 2 रेस टू पावर 7 की वैल्यू 128 आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, तब हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिए गए हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें पहले मल्टीप्लाई करना है या फिर इनके एक्सपोनेंट सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल नंबर्स के एक्सपोनेंट सॉल्व करने होते हैं। तो 5 का स्क्वायर और 2 का क्यूब हमें पहले सॉल्व करना है, फिर जो भी नंबर्स आएंगे उनमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब होगा 8, और 25 इंटू 8 आंसर होगा 200, 25 एट ज़ा 200। अब 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 रेज टू पावर 4, 625, तो 625 को 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिल जाएगा 16855, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लेते हैं, 5 इंटू 10 स्क्वायर। तो 5 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10 का स्क्वायर होगा 10 इंटू 10, 100। तो 5 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर
500। तो पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व करना है, 5 का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है तो उसे 5 ही रखना है, और फिर जो नंबर्स आएंगे उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल हो गए, और कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो कि एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इस चैप्टर में वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मेन पॉइंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब सभी कंसेप्ट जो हैं वो यूजफुल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।